दोस्तों, दुनिया भर में लोग भूत, प्रेत, आत्मा और इन्हीं जैसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। हालांकि इन्हें सच नहीं माना जा सकता, पर इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह असंभव है। आइए आज हम बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही साइंटिफिक तथ्यों के बारे में, जो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों को भूत दिखते और महसूस क्यों होते हैं और क्या होती है इनके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। नंबर एक, सामूहिक भ्रम। सामूहिक भ्रम एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई इंसान कुछ ऐसी चीजों को सिर्फ इसलिए मानने लगता है क्योंकि बहुत लोग उसे मानने लगे हैं। सामूहिक भ्रम लोगों में डर फैलने से पैदा होने लगता है और जंगल में लगी आग की तरह अन्य लोगों को भी फैल जाता है। आपने सामूहिक भ्रम की कई घटनाएं सुनी होंगी, जैसे कि दिल्ली का काला बंदर नाम का एलियन, जिसको लेकर डर इतना फैल गया कि पहले तो सिर्फ एक दो घटना ही हुई, पर बाद में हर दूसरा आदमी काला बंदर के नाम से एक रहस्यमय जानवर देखने लगा जो छत पर सो रहे लोगों को काट लेता था या फिर उन्हें छत से नीचे फेंक देता था, जबकि असलियत में इस घटना के पीछे सिर्फ एक मासूम सा बंदर हो सकता था। पर हर एक नए किस्से के साथ इस भ्रम में और चीजें जुड़ती गईं, जैसे कि काला बंदर एलियन था, काला बंदर भूत की तरह गायब हो जाता था और काला बंदर एक रोबोटिक जानवर था। भूत बुलाने के कई तरीकों में भूत का दिखना और महसूस होना ये भी इसी प्रक्रिया का प्रभाव हो सकता है। नंबर दो, इंफ्रारेड आवाजें। दोस्तों, एक और भूतिया एहसास के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जैसे कि किसी चीज का अपने आप हिलना या अपने आप पड़े पड़े कांपने लगना। इसे समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक की आवाज सुन सकता है। 20 से नीचे की आवाज हम सुन नहीं सकते और इन आवाजों को कहा जाता है इंफ्रारेड साउंड। हम भले ही इन्हें सुन ना पाए, पर हम इन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रारेड आवाजें हमारी आंख की पुतलियों को इस तरह हिला देती हैं कि हमें सामने पड़ी चीज हिलती हुई लगती है। पेट में इसका असर होने से हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगता है या फिर ज्यादा बुरा महसूस होने लगता है। इन्हीं दोनों बातों को इंसान जोड़कर एक भूतिया एहसास समझने लगता है। इंफ्रारेड आवाजें तूफान, हवा और यहाँ तक के घर के इलेक्ट्रिक सामान द्वारा भी बढ़ जाती है। नंबर तीन, आयंस और तापमान में बदलाव। आयंस हमारे इर्द गिर्द फैले वो अणु होते हैं जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। आपने भूतों से जुड़े कई टीवी शोज और मूवीज में देखा होगा कि भूत ढूंढने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जो आसपास के बदलाव को पकड़ लेता है। तो असल में ये होता है कि सूरज की किरणों के कारण आयंस के चार्ज में बदलाव आ जाता है, जिनकी वजह से उनका चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। अगर आपके आसपास नेगेटिव चार्ज होता है तो आप शांत महसूस करने लगेंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज होने पर बेचैनी सी होने लगती है। इसीलिए भूतिया घरों में लोगों को अचानक बेचैनी या अचानक अच्छा लगने की भावना आने लगती है, क्योंकि उन घरों में आयंस अपना चार्ज बदलते रहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि भूतों के आसपास होने से शरीर में सिरहना आ जाती है या फिर भूत के आसपास होने से अचानक गर्मी या ठंडक महसूस होने लगती है। यह होता है तापमान के अचानक बदलने से। जब बड़े घरों में तापमान एक समान नहीं होता तो तापमान एक जगह से दूसरी जगह उसे बैलेंस करने के लिए दौड़ता रहता है और इसी वजह से हो जाता है तापमान में अचानक बदलाव। नंबर चार, तकनीकी खराबी और एडिटिंग। दोस्तों, पूरा इंटरनेट भूत प्रेतों को दिखाने वाली फोटो और वीडियो से भरा पड़ा है, जिन्हें कई लोग भूत होने का सबूत भी मानते हैं। पर अगर दुनिया में इतने सारे डिजिटल सबूत मौजूद हैं, तो फिर हम भूतों को क्यों नहीं मानते? वो इसलिए क्योंकि कैमरा और ऐसे अन्य डिवाइसों में भरोसा रखना उचित नहीं है, क्योंकि ये सभी डिवाइस आसपास की किसी भी ऊर्जा को पकड़कर अजीबोगरीब फोटो दिखा सकते हैं। आप में से कई लोगों ने देखा और सुना होगा कि आपका फोन या टीवी आसपास के सिग्नल पकड़कर आपको सुनाने और दिखाना चालू कर देता है। इसी तरह कई बार ये कैमरा दो अलग अलग फोटो को एक साथ दिखाकर भूतिया एहसास करा सकते हैं। ये तो हुई डिवाइसों की खुद की दिक्कत, पर आप जानते हैं आजकल एडिटिंग का जमाना है। फोटो से लेकर वीडियो तक कुछ भी मिनटों में बदला जा सकता है और ये बदलाव इतना सहज होता है कि बिल्कुल असली लगने लगता है। नंबर पांच, हमारा जादुई दिमाग। इंसानी दिमाग की पूरी क्षमता का तो हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पर हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग भ्रम पैदा करने की पूरी क्षमता रखता है।
इंसानी दिमाग के कुछ हिस्सों को अगर ठीक सिग्नल भेज जाए तो आंखें उन चीजों को भी दिखाना चालू कर देती है जो वहाँ है ही नहीं, और कान उन्हीं चीजों को सुनाना। वैसे तो ये दिमाग को कोई मानसिक आघात लगने पर अपने आप ही होता है, पर बाहरी चीजें भी कभी कभार उस केंद्र को एक्टिवेट कर देती हैं। जैसे कि कई टेस्ट किए गए हैं जिनमें दिमाग को इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर उन्हें उन जैसा हमशक्ल उनके सामने दिखने लगता है, या फिर ऐसे लोग दिखने लगते हैं जिनसे वो बहुत पहले मिले थे। कार्बन मोनोक्साइड नाम की एक गैस भी जो बिना खुशबू के होती है, उसे सूंघने पर भी इंसान को अजीबोगरीब चीजें सुनाई और दिखाई पड़ने लगती हैं। कई भूतिया घरों को जब जांचा गया तो वहाँ कार्बन मोनोक्साइड की लीकेज मिली, जो घर में रहने वाले लोगों को भूतिया चीज दिखाने लगती थी। दोस्तों, आत्मा और ऐसे अन्य प्राणियों का टॉपिक तो हमेशा चर्चा का विषय रहेगा, पर क्या आप इन पर विश्वास करते हैं? नीचे कमेंट करें, और अगर आपने कभी उन्हें महसूस किया हो तो वो भी बताएं। बाकी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ ऐसे अद्भुत वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।